नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। संघ ने किरण बेदी के सिर फोड़ा, हार का ठीकरा। संघ ने दिल्ली में भाजपा की करारी हार का ठीकरा किरण बेदी के सिर फोड़ते हुए पार्टी से कई सवाल किए हैं। अपने मुखपत्र पांचजन्य के ताजा अंक में संघ ने हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने को भाजपा की बड़ी भूल माना है। संघ ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी को भी पार्टी की हार की एक बड़ी वजह माना। आकांक्षाओं की उड़ान शीर्षक से कवर स्टोरी प्रकाशित कर संघ ने कई सवाल किए हैं। आईएस के ठिकानों पर बमबारी, 64 आतंकवादी ढेर। लीबिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के हाथों मिस्र के 21 ईसाइयों का सिर कलम किए जाने का वीडियो जारी होने के बाद मिस्र ने इस आतंकवादी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी की, जिसमें 64 आतंकवादी मारे गए। पहली बार मिस्र ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने लीबिया में सैन्य कार्रवाई की है। उसके विमानों ने आईएस के प्रशिक्षण शिविरों और हथियारों के गोदामों पर बमबारी की। जन्म लेते ही रेल की पटरियों पर गिरा मासूम। राजस्थान के हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन के शौचालय में महिला का प्रसव होने से नवजात पटरियों पर गिर जाने के बावजूद सुरक्षित बच गया। कालका बाड़मेर सवारी गाड़ी में सवार 22 वर्षीय महिला अपने पति और मां के साथ हनुमानगढ़ आ रही थी। हनुमानगढ़ से करीब 13 किलोमीटर पहले प्रसव पीड़ा होने पर शौचालय में महिला नवजात को जन्म देने के बाद अचेत हो गई और नवजात पटरियों पर गिर गया। इसी दौरान रेल पटरियों की जांच करने वाले रेल कर्मी ने स्टेशन मास्टर को ट्रैक पर नवजात पड़ा होने की सूचना दी।